नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों को पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जो प्रश्न सेट किए हैं वो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आज हम 70 से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेले और त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ हम आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? इसका सही उत्तर होगा बाबा बड़भाग सिंह मेला। और हमें ज्ञात होना चाहिए जो बाबा बड़भाग सिंह मेला है यह ऊना जिले में लगता है। कई बार प्रश्न पूछता है बाबा बड़भाग सिंह मेला ऊना जिले के कौन से स्थान पर लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा मैड़ी, और यह मेला मार्च या अप्रैल महीने में लगता है। मेले आपको इतने उम्दा तरीके से करवाए जाएंगे, प्रश्न की तो बात छोड़ो, प्रश्न के उत्तर तो मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ तक कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा मेला है और यो कहाँ लगता है, ताकि आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न मेले से संबंधी छूटे ना। इसके साथ रुक करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है? तो हमने उत्तर पहले दे दिया है, ऑप्शन डी बाबा बड़भाग सिंह मेला जो ऊना में है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन की, मनाली विंटर कार्निवल की बात हो रही है। मनाली विंटर कार्निवल हर वर्ष जनवरी माह के 2 तारीख से आरंभ होता है। और उसके बाद बात करते हैं रेणुका मेला, रेणुका मेला जो सिरमौर में लगता है। उसके बाद बात करते हैं मिंजर मेले की जो चंबा में लगता है। आगे इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय मेले और त्योहारों के बारे में। ट्रिक मैंने कुछ इस तरह से बनाई है, रेणुका और शिव ने 10 दिन तक मिंजर और होली का व्यापार लबी मेले में किया। चलो ट्रिक के माध्यम से अब हम हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले और त्योहारों को समझते हैं। रेणुका और शिव, रेणुका और रेणुका मेला जो कि सिरमौर में लगता है। अब परीक्षा में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि रेणुका मेला कौन से महीने में मनाया जाता है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा नवंबर माह में। इसके साथ हम रेणुका मेले से संबंधी कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रेणुका जो मेला है यह रेणुका झील के किनारे होता है। जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रेणुका झील है यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। साथ ही साथ जो रेणुका मेला है वो भगवान परशुराम और माता रेणुका की मिलन की याद में मनाया जाता है। इसके साथ हम अगले मेले को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक कहती है शिव ने, शिव मतलब शिवरात्रि, जो शिवरात्रि मेला होता है यह मंडी जिले में लगता है और मंडी जिले के पड्डल ग्राउंड में लगता है। ठीक है, इस मेले की जो शुरुआत की थी वो की थी अजवर सेन ने, राजा अजवर सेन ने। ये बात हो रही है 1526 ईस्वी की। ठीक है, साथ ही साथ के बार प्रश्न पूछ जाता है कि मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप दिया? इसका सही उत्तर होगा सूरज सेन। यहाँ पर अजवर सेन नहीं करना है, क्योंकि अजवर सेन ने शिवरात्रि का आरंभ किया था। ठीक है, और सांस्कृतिक रूप किसने दिया? सूरज सेन ने। इतना हमें इस विषय के बारे में पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम ट्रिक के माध्यम से अगला मेला देखते हैं, और ट्रिक कहती है शिव ने दश, दश एक संस्कृत भाषा का शब्द है, दश मतलब 10 और 2 से दशहरा। जो दशहरा होता है ये कुल्लू जिले में होता है, और ये जो बात हो रही है दशहरे की ये हो रही है 1651-52 की बात हो रही है। ठीक है, उस दौरान जो कुल्लू जिले का जो राजा था वो था राजा जगत सिंह। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह को किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि मणिकर्ण के नज़दीक टापरी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, ठीक है, जिसका नाम था दुर्गादास। कहा जाता है कि उस ब्राह्मण के पास 1.5 किलो शुद्ध मोती थे। राजा ने उसे मोती सौंपने को कहा। ब्राह्मण को लगा कि राजा द्वारा उसे उसके परिवार को इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाएगा। राजा से भयभीत होकर गरीब ब्राह्मण ने परिवार सहित अपने घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्राह्मण दुर्गादास द्वारा आत्महत्या के अभिशाप के कारण राजा जगत सिंह को खाने में कीड़े और पीने में खून दिखाई देने लगा। तो उस दौरान उनकी जो उंगली थी उसमें कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई दिए। राजा को पछतावा हो गया, और उन दिनों नगर के नज़दीक, नगर कुल्लू जिले में पड़ता है, नगर के नज़दीक बाबा कृष्ण रहते थे, और उन्होंने सुझाव दिया कि ये जो कुष्ठ रोग के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं ये तभी ख़त्म होंगे, आपके पाप तभी धुलेंगे, अगर आप अयोध्या में जाकर त्रेतानाथ मंदिर से उस प्रतिमा को लाएंगे जो भगवान राम ने अपने जीवन काल में स्वयं बनाई है।
तो उस दौरान एक व्यक्ति को चुना गया, यहाँ से उसका नाम था दामोदर दास। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति किसने कुल्लू लाई थी। आपका सही उत्तर होगा दामोदर दास ने 1651 ईस्वी में। तो दामोदर दास ने रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से मणिकर्ण लेके आए, इसीलिए कहा जाता है कि 1651 में जो दशहरा आरंभ हुआ था वो मणिकर्ण से आरंभ हुआ था, और 1660 में रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में विधि विधान से इसकी स्थापना की, और 1660 ईस्वी से रघुनाथ जी के सम्मान में राजा जगत सिंह द्वारा कुल्लू के दशहरे की परंपरा आरंभ हुई। तब से आज तक कुल्लू का दशहरा पारंपरिक तौर से मनाया जाने लगा। के साथ हम अगले मेले की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक कहती है 10 दिन तक मिंजर, मिंजर मतलब मिंजर मेला जो चंबा में होता है। और सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि मिंजर होता क्या है। मिंजर होता है मक्की के भुट्टों के बालों को मिंजर कहा जाता है, ठीक है। और हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जो मिंजर मेला होता है यो अगस्त माह के हर दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस मेले के अंतिम दिन रावी नदी के तट पर वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए मिंजर या नारियल रावी नदी में बहाया जाता है। बहुत समय पहले यहाँ पर भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। यह मेला लगभग 7 दिन तक चलता है। और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए इस मेले का जो आरंभ वो साहिल वर्मन द्वारा किया गया। इसके साथ हम हिमाचल प्रदेश के अगले अंतर्राष्ट्रीय मेले की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक कहती है मिंजर और होली, इस पर बात होती है होली मेले की जो सुजानपुर टीरा में होता है, और जो सुजानपुर टीरा है यो हमीरपुर में पड़ता है। और खास बात इस प्रश्न में ये है कि कई बार प्रश्न पूछता है कि सुजानपुर टीरा में कांगड़ा के किस राजा ने होली का त्यौहार मनाया था। तो आपका सही उत्तर होगा संसार चंद। सीधा कहने का अभिप्राय ये है कि जो होली मेला है वो राजा संसार चंद ने आरंभ किया था। इसके साथ हम लवी मेले की ओर बढ़ते हैं। लवी मेला भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और जिसको राजा किरी सिंह ने आरंभ किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर जो राजा किरी सिंह है इनको छत्रपति के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हें अजान बाहू भी कहते थे। लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, जिसका आरंभ कि राजा किरी सिंह द्वारा 1683 में आरंभ किया था। यह मेला हर वर्ष नवंबर माह में लगता है, और यह शिमला जिले के रामपुर बुशहर में लगता है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए यह व्यापारिक मेला था, इसमें ऊन वस्त्र पश्मीना चिलगोजी घोड़े कचरों का व्यापार होता था। इसके साथ हमने आज हिमाचल प्रदेश के 8 अंतर्राष्ट्रीय मेले देखे, जिसकी रेणुका हो गया, शिवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, मिंजर मेला हो गया, लवी का मेला हो गया, होली का मेला हो गया, ठीक है, एक विंटर कार्निवल हो गया, ठीक है, एक समर कार्निवल हो गया। विंटर कार्निवल मनाली में, समर कार्निवल शिमला में। इतना हमें इस विषय के बारे में पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न रहा सारही मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है। इसका सही उत्तर होगा कुल्लू जिले में, जो मई माह में मनाया जाता है। इससे संबंधी परीक्षा में कंफ्यूज कर देने वाले मेले कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सायर मेला लगता है कांगड़ा में, सायरी मेला लगता है सोलन में, और सारही मेला लगता है कुल्लू में। इन मेलों को आप नोट्स बना के अच्छे से लिख लें, ताकि आपको परीक्षा के दौरान रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलो थोड़ी सी बात कांगड़ा के सायर मेले पर बात करते हैं। जो सायर मेला है यह कांगड़ा घाटी का प्रमुख मेला है, और कहा जाता है कि इस मेले के दौरान जो मक्की की फसल है वो पककर तैयार हो जाती है, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि गद्दी लोग इस त्यौहार को मनाने के बाद निचली घाटियों में आ जाते हैं। चलो थोड़ी सी बात सोलन के अर्की में लगने वाले सायरी मेले पर करते हैं। सायरी मेला विशेष तौर पर भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध माना गया है, और यह मेला जुलाई माह में लगता है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला कौन से जिले में लगता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर में। यहाँ देखो कन्फ्यूज करने वाली बात है, एक है नलवाड़ी मेला, एक है नलवाड़ मेला। जो नलवाड़ी मेला है वो बिलासपुर में लगता है, और जो नलवाड़ मेला है वो लगता है मंडी के सुंदरनगर में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नलवाड़ी मेले के कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे नलवाड़ी मेले का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1889 में
वो डब्ल्यू गोल्डस्टीनर द्वारा किया गया था। उस दौरान बिलासपुर का राजा अमरचंद थे और यह मेला लुडू मैदान में होता है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए इस मेले को पशुओं का मेला भी कहा जाता है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के उस मेले का नाम बताओ जहां पर केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग ले सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुई मेला। यह मेला चंबा के राजा साहिल वर्मन की पत्नी माता सुनैना के बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसके साथ हम ऑप्शन को भी देखते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। ऑप्शन में है दशांग मेला, जो दशांग मेला होता है ये भी चंबा में होता है और यहाँ पर केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। इसके साथ अगले ऑप्शन की ओर जाते हैं। अगला ऑप्शन है हलोग मेला। हलोग वैसे मेला नहीं है, वो पत्थर का मेला है। हलोग किसी जगह का नाम है जो शिमला जिले के अंतर्गत आता है और यह जो मेला है यह दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इसके साथ हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने सीपी मेला है। सीपी मेला शिमला के मशोबरा में लगता है और यह मेला मई महीने में लगता है। और जिस प्रकार अर्की सोलन का सायरी मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार शिमला का सीपी मेला भी भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर पा रहे होंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जैसे हमें पता है कि यह प्रश्न चंबा से संबंधित था, इसके साथ देखते चंबा में और कौन कौन से मेले लगते हैं। भरमौर की यात्रा ये चंबा में है, फूल यात्रा ये भी चंबा में है, सुई का मेला ये भी चंबा में है, मिंजर मेला ये भी चंबा में है और मणि महेश मेला ये भी चंबा में है। इसके साथ देखते आज का अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में निम्न में से कौन सा मेला लगता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डोंगरी मेला, जो मनाली में लगता है और यह माता हडिम्बा को समर्पित है। इसके साथ हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन है नवाला मेला। जो नवाला मेला है यह चंबा में होता है और यह मेला गद्दियों का प्रसिद्ध मेला है और इस मेले में शिव की पूजा होती है। इसके साथ हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। फूल यात्रा, जो फूल यात्रा है यह मेला चंबा के पांगे में लगता है और यह अक्टूबर महीने में लगता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यात्रा बताया जा रहा है, यात्रा का मतलब भी मेला ही होता है। इसके साथ बात करते हैं फुलैच मेले की। सबसे पहले हम पता होंगे फुलैच क्या होता है। फुलैच का मतलब होता है फूलों का त्यौहार या फूलों का मेला, ठीक है। फुलैच को अन्य किस नाम से जानते हैं, ऐसा भी कई बार प्रश्न आता है, उसको बोलते उख्यांग। किन्नौर की स्थानीय बोली में उख्यांग जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऊ का मतलब होता है फूल, खयांग का मतलब होता है त्यौहार, ठीक है। उख्यांग का मतलब फूलों का त्यौहार। इसके बाद है डोंगरी मेला। डोंगरी मेले के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जो कुल्लू का मेला है। इसके साथ देखते हैं कुल्लू जिले में और कौन कौन से मेले हैं, ठीक है। जैसे कि दशहरा मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला हम पहले बात कर चुके हैं, डोंगरी मेले के बारे में हम बात कर चुके हैं और शहरी मेले के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बोंडा उत्सव की बात करते हैं, जो कुल्लू जिले के निर्मण गाँव में लगता है। निर्मण गाँव हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गाँव है। जो बोंडा उत्सव है यह ब्राह्मणों द्वारा होता है। इसके साथ एक प्रश्न के बाद ऐसे बनता है कि जो बोंडा उत्सव है ऐसा, इसके अलावा ऐसा कौन सा उत्सव है जो 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा शांत उत्सव, ठीक है, जो शिमला जिले में मनाया जाता है और यो राजपूतों द्वारा मनाया जाता है। ध्यान देना, बोंडा ब्राह्मणों द्वारा मनाया जाता है और शांत राजपूतों द्वारा मनाया जाता है। शांत शिमला में और बोंडा निर्मण में। इसके बाद हम बूढ़ी दिवाली की बात करते हैं। बूढ़ी दिवाली कुल्लू जिले के निर्मण गांव में मनाई जाती है और यह दीपावली के एक महीने बाद मनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ी दिवाली पड़ा। इसके साथ बात करते हैं पीपल मेले की। कई जगह कई किताब में पीपल दिया होता है, कई जगह पिपलू दिया होता है, ठीक है। पिपलू मेला कहाँ है, कुल्लू में। साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना है, एक पिपलू मेला ऊना जिले में भी मनाया जाता है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, लाहौल स्पीति में निम्न में से कौन सा मेला लगता है। आपके सामने पौरी मेला दिया है जो त्रिलोकीनाथ में लगता है, लदारचा दिया हुआ है जो काजा में लगता है और एक सिसु मेला दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके अलावा कुछ मेले में आपको और बताता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने और परीक्षा में एक भी प्रश्न मेले से संबंधित छूटे ना। एक है हालदा और एक है खोजला। आपको लाहौल स्पीति के मेले के बारे में इतना पता होना चाहिए। इसके साथ आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गसौता मेला। इसके साथ हम इसके ऑप्शन को भी देखते हैं। चिंतपूर्णी मेला ऊना में लगता है,
फुलैच मेला किन्नौर में लगता है और कालेश्वर मेला कांगड़ा में लगता है। इसके साथ देखते हैं हमीरपुर के और कौन कौन से मेले हैं। दियोसिद्ध मेला ये भी हमीरपुर में है, होली मेला ये भी हमीरपुर में है और गुग्गा मेला ये भी हमीरपुर में, इतना हमें पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से मंडी जिले में कौन सा मेला लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छेशु मेला, ये मंडी के रिवालसर में लगता है, ठीक है, जो रिवालसर तैरते टापू की झील है और यहाँ पर तीन धर्मों के धार्मिक स्थल है, जैसे हिंदू हो गया, बौद्ध और सिख। इसके साथ हम इसके ऑप्शन को भी देखते हैं, शांद मेला शिमला जिले में लगता है और तीज का त्यौहार नाहन में लगता है जो सिरमौर के अंतर्गत आता है, और छड़ी का मेला सिरमौर में लगता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक छड़ी का मेला है, एक छड़ी यात्रा है, ठीक है, जो छड़ी यात्रा है यह चंबा में लगती है और छड़ी का मेला सिरमौर में लगता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ देखते हैं मंडी जिले में प्रमुख तौर पर कौन कौन से मेले लगते हैं, जैसे महुनाग मेला हो गया, शिवरात्रि मेला हो गया और शीतला देवी मेला हो गया, ये कहाँ लगते थे? मंडी जिले में। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लाहौल स्पीति में दिवाली को किस नाम से जाना जाता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया है इसके बारे में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोजला, ठीक है, इसके ऑप्शन के साथ भी चलते हैं। जैसे आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं उख्यांग, उख्यांग को फुलैच के नाम से भी जानते हैं, यह किन्नौर में मनाया जाता है, और इसके बाद देखते हैं नवाला, नवाला गद्दियों का एक त्यौहार है और ये चंबा में मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हालदा, हालदा लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। इसके साथ देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके सामने 30 जनवरी को गांधी मेला सिरमौर के किस स्थान पर लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अम्बोया, यह सिरमौर में पड़ता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किस स्थान पर लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बशोली में। इसके साथ ऊना जिले के अन्य मेले को देखते हैं, पिपलू मेला ऊना जिले में लगता है, चिंतपूर्णी मेला ऊना जिले में लगता है, बड़बाग सिंह मेला ऊना जिले में लगता है, बाबा रुद्र का डेरा मेला ये भी ऊना में लगता है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में लोसर मेला कहाँ मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपको ऑप्शन में किन्नौर आया हो और लाहौल स्पीति नहीं है तो किन्नौर टिक करके आना है, अगर लाहौल स्पीति ऑप्शन में आया है और किन्नौर नहीं है तो लाहौल स्पीति टिक करके आया है। इन केस अगर दोनों लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों ऑप्शन में आए हैं उस स्थिति में आपको लाहौल स्पीति पर टिक करके आना है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में लाहौल स्पीति दिया है और जो लोसर मेला है यह नए साल के उपलक्ष में मनाया जाने वाला मेला है। इसके साथ हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में समर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो समर कार्निवल है ये शिमला में मनाया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसके साथ देखते हैं शिमला जिले में और कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। भैंसों का मेला शिमला में मनाया जाता है, सिपी मेला शिमला में मनाया जाता है, पत्थर का खेल मेला हलोक शिमला में मनाया जाता है, शांत मेला शिमला में मनाया जाता है, फाग मेला रामपुर बुशहर शिमला में मनाया जाता है, लबी मेला रामपुर बुशहर शिमला में मनाया जाता है और समर फेस्टिवल शिमला में मनाया जाता है। लबी मेले और समर फेस्टिवल या समर कार्निवल को छोड़कर सभी मेले राज्य स्तरीय हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से सभी मेले बहुत महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें।